नेता भइले चोर लुटेरा अपने राम से काम, साधु संत काम की बस में छोड़ले सीता राम, बोला भैया राम हो राम। अरे देसवा मोर सोने का, अरे चिरैया न हो रखिया साफा सफाई। तो ये अभी जो राम मंदिर मंदिर बना है, ये भी क्या चुनावी मुद्दा है क्या? जाएंगे वहाँ भी तो वही भगवान सोने का, लेकिन बोलेंगे नहीं, ये आत्मा बोलेगा। यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी हनुमान जी है, लेकिन कोई बोल सकता नहीं है। लाखों करोड़ों लगा कर जाइए, अब हमारा चढ़ा के चले आइए। प्रेम शंकर मिश्रा हूँ, नवभारत टाइम्स के लिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इस समय घोसी लोकसभा में हूँ। घोसी लोकसभा की ये घोसी विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक गाँव है रसड़ी। तो क्या यहाँ चुनाव का माहौल है, यहाँ की राजनीति का क्या रंग है, यहाँ लोक का क्या रंग है, हम इस पे बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। ये एक राशन की दुकान है और इस समय राशन बटने का समय है, राशन के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ा सर्वर धीमा है, इसलिए जो अब राशन की प्रक्रिया जो है बायोमेट्रिक हो गई, अंगूठा लगा के वेरिफिकेशन होता है, लेकिन चूँकि सर्वर धीमा है इसलिए थोड़ा सा इस पूरी प्रक्रिया में समय लग रहा है। तो यहाँ जुटे हुए लोगों से हम राशन के साथ जो सियासत का रिश्ता है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं, क्या सुना है आपका जी? अनिल चौरसिया। अनिल चौरसिया हैं ये। अनिल चौरसिया जी, क्या है राजनीति का रंग घोसी का, क्या माहौल चल रहा है राजनीति का, यहाँ यहाँ के राजनीति का क्या रंग दिख रहा है आपको? नेता भइले चोर लुटेरा अपने राम से काम, साधु संत काम की बस में छोड़ले सीता राम, बोला भैया राम हो राम। कैसे होई देसवा को कल्याण, बोला भैया राम हो राम। तो आपने सुना ये चौरसिया जी, ये कैसे एक राजनीतिक व्यंग इन्होंने सुनाया कि जो नेता और राजनीति का क्या रंग है। हम आइए बात करते हैं, क्या सुना है आपका? हमारे वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार जी, घोसी का जो चुनाव है इसको लेके बाहर बड़ी चर्चा होती है। अभी एक चुनाव हुआ था जिसको लेके जिसने राजनीति का एक अलग कलेवर बदला था, तो अब तो घोसी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो क्या माहौल है लोकसभा में, यहाँ क्या किसकी लड़ाई चल रही है? वोट देने आदमी जाता होगा? वोट देने जाते हैं, भाजपा सरकार में हम लोग बेवकूफ है, चमार है हम जात के। हम लोग को सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जब हम लोग आटा पे टैक्स दे रहे हैं तो क्या कहना है आगे? योगी मोदी हम लोग के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जनता भेड़ है, भेड़ की तरह। नहीं तो मजबूरी क्यों है? मजबूरी है ना, बसपा का कैंडिडेट। हम बसपा को वोट देते हैं, हम बसपा को छोड़ के जीवन में नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अब यहाँ क्या होगा अब हम ज्यादा नहीं चला सकते। नहीं तो बसपा को वोट देने जाते हैं तो बसपा को तो वोट देंगे ना। ठीक है, देंगे। हम श्रीकांत सिंह, ग्राम रसड़ी, पोस्ट सराय गणेश जी, सुनाएंगे। अरे देसवा मोर सोने का, अरे चिरैया न हो रखिया साफा सफाई। सरकार गली गली सड़क, गली गली डस्टबिन रखी है कचड़े के लिए, उसी पर एक गाना छोटी सी लाइन बनी। देसवा मोर सोने का, अरे चिरैया न हो रखिया साफा सफाई, देसवा मोर सोने का, चिरैया न हो रखिया साफा सफाई। सड़क पर न फेंका कचरा, खाइला तू कीरिया। बालिका थी, हम गए थे मऊ जिले पर, ये लड़कियां ऐसी गा रही थी सरकार के बारे में। सड़क पर न फेंका कचरा, खाइला तू कीरिया, निकला गी गाँव घर गलिया न हो रखिया साफ सफाई। जो साफ सफाई का ये जो आपने बड़ा अच्छा पैसा, ओ सरकार चला रही है, हर जगह डस्टबिन रखी है। आप कचरा सड़क पर भीग रहे हैं, कचरा डस्टबिन में रखिए, आप वो कहीं कचरा जाके गिर जाएगा। ये जो चुनाव होता है, चुनाव में भी बड़े कचड़े आ जाते हैं, कचड़े तो आते हैं, लेकिन जिसका मन जो है वो नहीं बदलेगा, इतना वो भी कचड़े यहाँ। ये सरकार जितना सुविधा दी है कोई सरकार नहीं दी है।
अच्छा भले मन माने कोई या नो माने, हर जगह सड़क यहाँ से बैठना है, कहाँ चले जा रहे हैं, कितनी टाइम से, इतना सरकार कोई नहीं सुविधा की। तो ये अभी जो राम मंदिर वंदिर बना है, ये भी क्या चुनावी मुद्दा है क्या? अरे साहब, हम तो पहुँची ना पहली, हमारा मंदिर यही है। तो मंदिर की चर्चा तो यहाँ तक पहुँच पाए हुई है? फोटो टंगा हुआ है। अच्छा बिहार तक पहुँच जाइए। अच्छा 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 हम अपने स्थान पर आते हैं, स्थान का गुण गाते हैं, स्थान ही हमारा वही तीर्थ व्रत है, जाएंगे वहाँ भी तो वही भगवान सोने का, लेकिन बोलेंगे नहीं, ये आत्मा बोलेगा। यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी हनुमान जी है, लेकिन कोई बोल सकता नहीं है। लाखों करोड़ों लगा कर जाइए और माला चढ़ा के चले आइए। जी तो ये बताइए, जैसे हर आदमी, हम आप सब, हर कोई वोटर है, जब चुनाव में वोट डालने जाता है तो कुछ सोच के जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारा, हमें जो हमें स्थानीय सुविधा मिल रही है उसको वोट देंगे, या जो प्रत्याशी है वो हमारा बड़ा करीबी है, गांव क्षेत्र का है, जाति का है, हम उस पर वोट देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देश का ये मुद्दा है, इस पर वोट देंगे। यहाँ क्या सोच है, क्या माहौल है, वोट देते समय क्या दिमाग में रखकर चलता होगा? आपकी खोपड़ी बड़ी फर्टाइल है, मतलब बड़ी जिसको कहते हैं उपजाऊ खोपड़ी है, तो इसमें क्या उपज रहा है? अभी कोई आया ही नहीं। आपका क्या नाम है भैया? जोगिंदर जी, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ चुनाव का माहौल? दो दिन में लड़ाई, इसी में लड़ाई है, तो क्या कौन जीतेगा उसमें? तो मतलब लड़ाई कांटे की है कि अच्छा, इसमें जैसे बसपा से जो लड़ रहे हैं बालकृष्ण चौहान, वो यहाँ सांसद रहे हैं पहले, पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे, तो क्या लग रहा है बसपा की, क्या क्या लग रहा है उनके लिए? बसपा भी वोट पाएगा। अच्छा, अब तो जानते हैं कि वोट तो बना हुआ है। जी जी।